हे गाइस, जून 7 को मेरे को एक मेल रिसीव हुई, दैट इज विप्रो एडेंडम लेटर। ओके, और मैंने कल के डेट पे ही अपनी जो हॉस्टल थी इंजीनियरिंग की फाइनल ईयर की, मैंने खाली कर दी। एंड जिसके खातिर मुझे उतनी टाइम नहीं मिल पा रही थी कि मैं फ्रीक्वेंट वीडियो अपलोड कर पाऊँ। जो व्यूअर मुझे बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं मेरे चैनल में, ही और शी इज नोज कि आई एम फाइनल ईयर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ माई प्रोफाइल एज यू कैन सी। ओके, और पिछले 10 दिन से मैंने ना कुछ भी अपलोड नहीं किया, लिटरली मैंने कुछ नहीं अपलोड किया। एंड इस चीज़ की मुझे बहुत रिग्रेट है, एंड आई नो कि अब मैं फ्रिक्वेंट अपलोड करूंगा। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इस वीडियो में ना मैं आपको बहुत विप्रो की कुछ नई अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने विप्रो की क्या है कि पोस्टपोनमेंट की अपडेट डाली हुई थी। मुझे जो न्यू ज्वाइनिंग डेट मिली थी वो 27 जून की मिली थी, मतलब दिस मंथ के एंड पे। ओके, तो इसमें नया क्या है, मतलब आप समझो तो आपने ऑफर लेटर सुना होगा, एलओआई सुना होगा, ज्वाइनिंग लेटर सुना होगा, बट आपने एडेंडम लेटर नहीं सुना होगा। ओके, तो जब आप क्या है ना कि आप गूगल करोगे कि व्हाट इज एडेंडम, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके का मीनिंग समझ में आएगा कि एडेंडम का मीनिंग होता है कि आइटम और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज एडेड टू समथिंग स्पेशली टू अ बुक। मतलब ठीक है यार, ऑफर लेटर आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आ गया, मतलब उसके बाद क्या कुछ एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर ऐड कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एडेंडम कहते हैं। दिस इज एडेंडम लेटर। ओके, और इन दिस वीडियो में मैं आपको टिल एंड पे ये भी बताऊंगा कि बहुत से व्यूअर थे मेरे चैनल पे जिनको क्या है कि ऑफर लेटर या फिर एलओआई को एक्सेप्ट करने के बाद में लॉगिन की क्या है ना कि आईडी पासवर्ड की इशू आई थी। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस, उसमें लॉगिन के बहुत ही मतलब इशू के लोगों ने कमेंट कर रखी थी, तो मैं इससे भी बताऊंगा इंड में कि उस चीज़ को आपको कैसे टैकल करना है। ओके, तो एज यू कैन सी माई नेम्स डियर राहुल राज, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू रिव्यू एंड एक्सेप्ट योर एडेंडम लेटर एट द अर्लीस्ट यूजिंग डेस्कटॉप लैपटॉप। एंड दिस इज एडेंडम लेटर की मैंने जो एक्सेप्टेंस की हुई है उसकी पीडीएफ है, मैं आपको अभी क्या खोल कर यहाँ पे दिखाऊंगा, ऐप देख सकते हो इस तरीके से दिखती है। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे उन्होंने जस्ट बोल रखा है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना है टिल 16 जून, एज यू कैन सी हियर इट इज रिटन ऑन द डेट। अगर आप इसके बाद करते हो तो इसकी एक्सेप्टेंस खत्म हो जाएगी। ओके, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ योर एक्सेप्टेंस कि आप किस तरीके से एक्सेप्ट करोगे। जस्ट सिंपल यहाँ पे लिख रखा है कि आपको ब्राउजर पे क्लिक करना है और आपको एक्सेप्ट करने के बाद Ctrl+P करना है, जो कि मतलब उसकी शॉर्टकट होती है प्रिंट करने की। उसके बाद आपको सेव कर देना है PDF में एंड आपकी प्रॉपर सेलेक्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको सेव करना है, काइंड ऑफ दैट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ये भी लिख रखा है कि आप इसे एक बार ही एक्सेप्ट कर सकते हो, मतलब एक बार ही आप इस विंडो को ओपन करके इस लेटर को एक्सेप्ट कर सकते हो, दूसरी बार आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। एंड दिस इज द क्विक लिंक। ओके, तो मैं आप बात करता हूँ कि एडेंडम लेटर दिखता कैसा है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एडेंडम लेटर, यहाँ पे आपका मेरा मार्कर काम नहीं करने वाला है, तो मैं आपको जस्ट थ्रोली रीड करके बताऊंगा, जो कि जून 7 को मैंने एक्सेप्ट किया। देखो यहाँ पे एक्सेप्ट करने के बाद क्या है कि आपका एक क्विक सिग्नेचर बन जाता है, लाइक सिग्नेचर जो आप डिजिटली एक्सेप्ट करोगे, दैट मीन्स कि चेकिंग द चेकबुक अबव इज इक्विवेलेंट टू अ हैंड रिटन सिग्नेचर, काइंड ऑफ दैट। ओके, एंड यहाँ पे मेरा नाम अगेन, एंड दिस अमेंडम इज पर्सुएंट टू योर अपॉइंटमेंट फ्रॉम विप्रो, एंड दिस इज यू नो इसको क्या है कि दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया, वन सेक्शन इज फॉर अपॉइंटमेंट डिटेल्स एंड सेकेंड सेक्शन इज फॉर नोटिस पीरियड एंड टर्मिनेशन। एंड इसमें वही है कि कंपनी की कुछ गाइडलाइंस, रिटायरमेंट, ज्वाइनिंग डेट, तो क्या काम करना है, कितने देर तक काम करना है, तो क्या सपोर्ट दी जाएगी, नोटिस पीरियड क्या होता है, फी वेवर या फिर फर्दर मॉडिफिकेशन, या आपको कहाँ कहाँ काम की जाएगी, बस उन्हीं सब चीज़ों के बारे में क्या है कि यहाँ डिक्टेट किया गया। एंड देन लास्ट में वही आपकी जो एचआर है उसकी साइन एंड दिस इज जस्ट इन। ओके, तो बस यहाँ से सीन ये है कि आपने बहुत से लेटर देखा होगा, लाइक आपने ऑफर लेटर सुना होगा, आपने और ज्वाइनिंग लेटर सुना होगा, बट ये जो आप देख रहे हो एडेंडम लेटर, ये मतलब विप्रो की क्या है कि इस साल से ही स्टार्ट की गई है, जहाँ पे अपॉइंटमेंट डिटेल्स के लेटर भेजने के बाद क्या है कि एडेंडम लेटर भेजा जाता है, जहाँ पे क्या है कि कुछ और भी क्लैरिफिकेशन की जाती है, जो क्लैरिफिकेशन आपका ऑफर लेटर में या एलओआई में छूट जाता है, बस उसी को क्लैरिफिकेशन करने के लिए एडेंडम लेटर भेजा जाता है। मुझे भी जब आया तो मैं जस्ट एक मिनट के लिए शॉक्ड था कि यार ये क्या है, बस मैं पढ़ने के बाद, रिसर्च करने के बाद आई गॉट टू नो काइंड ऑफ दैट। सो अगर आपको भी इस तरीके की लेटर रिसीव हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात बता सकते हो, एंड इफ़ यू हैव स्टिल डाउट एनी काइंड ऑफ रिलेटेड टू एमेंडम लेटर और ऑफर लेटर और यू नो एक्सेप्टेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काइंड ऑफ एनी डाउट, यू कैन पिंग मी ऑन द कॉमेंट सेक्शन और आइदर ऑन दिस इंस्टाग्राम आई डी। एंड जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे
कनेक्ट किया ही और सिस नोज कि मैं सबका रिप्लाई करता हूँ एट माय अर्लीस्ट. ओके एंड इन दिस चैनल यू विल गेट अ वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक. एंड मैंने आपको आईडी बता रखा, आप इसमें मुझे फॉलो कर सकते हैं. एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट काइंड ऑफ दैट. एंड प्लीज इट्स माई स्टिल रिक्वेस्ट फ्रॉम यू दैट कि अगर आप मेरे चैनल को एक बार थ्रोली आप विजिट करते हो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ वीडियोज दैट लिटिल बिट और यू नो मोर देन हेल्पफुल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड. ऑल द बेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट जर्नी.